corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, caste, art, development, corruption. आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उत्तराखंड में हो रहे पलायन के बारे में। उत्तराखंड में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर अस्पताल व रोजगार की भी समस्या प्रमुख है। इसके अलावा गांव में यातायात के साधन भी नहीं है। जलवायु परिवर्तन की मार से यहाँ जंगल, घास, लकड़ी व पानी के स्रोत भी सूखे हैं। इस वजह से प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर गैरसैन उत्तराखंड के गाँव के लोग अच्छी रोजगार व शिक्षा की तलाश में गांव से छोटे कस्बों और शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। पलायन के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित छोटे बच्चे हैं। उनकी शिक्षा पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। माता पिता के साथ बच्चों को भी गांव से शहरों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। गांव में अच्छी पढ़ाई नहीं होती और जो हम ये विद्यालय में पढ़ते हैं सरस्वती विद्या मंदिर, यहाँ अच्छे अनुशासन सिखाए जाते हैं और वो यहाँ खेलने की सुविधा पूरी है बच्चों के लिए और यहाँ कंप्यूटर की व्यवस्था भी है। जो गैरसैन में अन्य विद्यालय हैं सरकारी और प्राइवेट, इनमें ये व्यवस्था नहीं है। शिक्षा में विशेष रूप से यह है, गाँव से कस्बों में आने वाले बच्चों को कोई यदि विज्ञान पढ़ना चाहता है तो क्या है कि उसके लिए विज्ञान की विषय, जो विज्ञान के अंतर्गत आते हैं वो विषय उपलब्ध यहाँ नहीं होते। कोई कृषि पढ़ना चाहता है तो हाई स्कूल तक कृषि है, उसके पश्चात यहाँ इंटरमीडिएट में कृषि नहीं है। कॉमर्स पढ़ना चाहता है, हाई स्कूल तक कॉमर्स है लेकिन इंटरमीडिएट में कॉमर्स नहीं है। और जैसे मैंने देखा शिक्षा के क्षेत्र में भी यहीं गैरसैंण में डिग्री कॉलेज तो नाम मात्र का खोल दिया गया है। ये केवल आर्ट्स की कक्षाएँ संचालित करते हैं, साइंस साइड बीएससी एमएससी या बीएड लॉ संबंधी कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। तो कस्बों में भी लोगों को बहुत परेशानी है। जो रोजगार की तलाश में यहाँ आते हैं उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विशेष तौर पर यहाँ जैसे बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं और साथ में कुछ रोजगार भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनके घर में इतनी क्षमता नहीं होती, आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय होती है कि वो अकेले ही पढ़ने के उद्देश्य से लोग अधिकतर नहीं आ पाते। उनको सही रोजगार तो नहीं मिल पाता है। कुछ दिन वो टिकते हैं, कोई होटल में टिक जाता है, कोई किसी अफसर के साथ लग जाता है, कोई कहीं लग जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वो बड़े शहरों में ही जाना पड़ता है उनको, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई उद्योग है या छोटे उद्योग भी नहीं है और कोई इस ढंग का नहीं है कि जो टिक पाए। वो नहीं टिक पाते हैं, रोजगार का बिल्कुल अभाव है। स्वास्थ्य संबंधी में भी हॉस्पिटल की सुविधाएं, बिल्डिंगें तो बहुत बनी हैं लेकिन हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं होते। अपने बेहतर भविष्य के लिए गांव के लोग छोटे कस्बों व नगरों की ओर पलायन करते हैं, पर उनके सपने यहां भी साकार होते नहीं दिखते। ऐसे में सरकार की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब तक सरकार बुनियादी आवश्यकताओं को गांव तक नहीं पहुंचाएगी, पलायन को रोक पाना असंभव होगा। इंडिया अनहर्ड के लिए मैं लक्ष्मी नौटियाल गैरसैन उत्तराखंड से।